निज भाषा उन्नति, अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं यह कुशूल। नमस्कार, हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। जैसे हम अनेक रंगों के फूलों द्वारा एक माला का गठन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रांतों के लोगों द्वारा, अलग अलग भाषा भाषी द्वारा एकता का गठन होता है, और इस एकता को निभाने की जिम्मेदारी उठाई है केवल एक भाषा ने, वो है हिंदी भाषा। जी हाँ, वर्ष 1949 के बाद हिंदी भाषा केंद्र की आधिकारिक भाषा बन गई, और 1953 के बाद से ही हम इसे हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। काका कालेलकर से लेकर सेठ गोविंद दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों ने भी इसे अपनाने का अथक प्रयास किया है, और आज भी हम इसे तहे दिल से अपनाते आ रहे हैं। आज हिंदी दिवस को के इस अवसर पर चार चांद लगाने आ रहे हैं बिहानी अकादमी के कुछ छात्र, जो नुक्कड़ नाटक द्वारा आपको सामाजिक रूप से नई सोचना प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये नाटक पसंद आएगा। कोरोना भागो, कोरोना भागो, लॉकडाउन। अरे, मुझे गिरते हुए देख के भी समझे नहीं मैं कौन हूँ। इकोनॉमी, मेरे भी बड़े तेवर हुए करते थे, पर इस कोरोना के चक्कर में मैंने भी मुंह ही खाई है भाई साहब। अनेकों सेक्टर जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, सबके सब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन्हीं के सहारे मैं टिकी भी तो थी, अब मैं क्या करूं? और हालात इतनी बुरी है कि कोरोना से ये कहने को मन करता है, जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, ना जाने तुम कब जाओगे, ये कोरोना तो कब जाएगा रे। आज की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते घट जाने वाली मजदूरों की जदोजहद, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर उमड़ती हुई मजदूरों की भीड़। इन लोगों को क्या अकल नहीं है, जब पूरा शहर कोरोना से लड़ रहा है तो ये लोग भीड़ भाड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। माँ, भूख लग रही है। अरे मुन्ना, चुप कर जाना, बापू आएगा साथ खाना लेकर आएगा। झूठ मत बोलो माँ, जब बापू के पास है ही नहीं काम तो कहाँ से आएगा खाना? सब हमें ही क्यों बुला रहे? 70 साल से हम पे ही क्यों खर्च हो रहे हैं? बाहर कोरोना, अंदर भूख का रोना। कोरोना तो है आज की महामारी, मगर भूख मरी है सदा भार महामारी। सरकार कहती है जान है तो जहान है, पर माँ जब है ही नहीं जहान तो कैसे बचेगी जान। मम्मी देखो, ऐसे कितनी चीजें बना रहे, जैसे डोसा, इडली, डोरना कॉफी, पास्ता भी। हम इससे क्यों सारी उनकी सब्जी खाते रहते हैं? बेटा, अभी जितनी कम चीजें हो सके हमें उतनी ही यूज करना चाहिए, और ये सब बनाना अभी पॉसिबल भी तो नहीं है ना हमारे लिए। पर पहले तो बनाते थे ना माँ, अब क्या दिक्कत है? बेटा, पहले की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। आज हमें कम साधनों में मैनेज करना पड़ेगा ताकि खाना वेस्ट ना हो और फ्यूचर के लिए भी सेव हो सके। कुछ के पास इतना है कि कद्र अब भी नहीं हो, तो कुछ लोगों को तो दो वक्त की रोटी तक नसीब ना हो। कुछ ने तो कम में ही अपना काम चलाना सीख लिया और कम साधनों में ही अपना संतोष उन्होंने ढूंढ लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अनजान शहर में फंसे बस सांसें ले रहे, न कर रहे शिकायत न घर वालों को बता रहे, राशन ढूंढने इधर उधर भटक रहे, मानो डर डर कर जी रहे। हर वक्त बस यही ख्याल आता है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही दूसरे शहर में फंसे रहना पड़ेगा, और हर वक्त बस यही ख्याल आता है कि आज का तो गुजारा हो गया पर अब हम कल का क्या करेंगे। इन्हीं सबसे गुजरते हैं जब हम हर दिन, तो बस एक ही दुआ करते हैं कि जिसकी हमें आस है वो दिन जल्दी आए और हम जैसे हजारों को सुकून लेकर जाए। यार, ये रोज रोज क्या चैलेंजेस कर रहे हैं, इसका 25 पेंडिंग, इसका 30 पेंडिंग, ऐसा चलता रहा तो सब प्रोफेशनल हो जाएंगे। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ।
मैं कोविड के टाइम पे बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो रही हूँ। मैं क्वारंटाइन के टाइम पे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो रही हूँ। क्या कोविड स्पाइक 20% इंक्रीज? दादाजी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा यार, दादाजी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ऊपर से इतनी टेंशन तो ऐसे ही थी, अब ये एंजाइटी भी। दिल की धड़कन का यूं तेज हो जाना, दिल पे कंफ्यूज हो जाना। बाहर देखो तो कियोस मचा हुआ है, लॉकडाउन में ये दिमाग भी असिस्ट हुआ है। गो कोरोना कोरोना गो, गो कोरोना कोरोना गो, गो कोरोना कोरोना। प्लीज लीव कोरोना गो, गो कोरोना गो इज टू मिडिल क्लास। अरे हमारे जमाने की तो बात ही अलग हुआ करती थी माधवी। तब परिवार की सुबह रोज रामायण से होती थी। हर तभी बच्चों के पास टाइम पास के लिए मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके उनसे चार चीजें सीखते थे और उनके साथ वक्त बिताते थे। और ये आजकल के बच्चे, अरे तब तो परिवार लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेल खेला करता था। खैर काफी वक्त के बाद मानो हमारा जमाना वापिस आ गया हो। आज सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ ही साथ पूरा परिवार अमूल्य पल बिताता है। लेकिन याद रखना, जहाँ घर परिवार एक हुए वहाँ हिंसा के मामले अनेक हुए। अब हर दिन कोई जान फिर से रोती है। याद रखना आज भी देश के किसी कोने में घरेलू हिंसा होती है। पता है इस कुड़ी यूनिवर्सिटी डे चैलेंज के सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है? कौन? प्रकृति। प्रकृति कौन? न्यू फ्रेंड। अरे प्रकृति, नेचर है नेचर। इंसान पिंजरे में क्या बंद हुआ, पूरी दुनिया मानो आजाद सी हो गई। अब ट्रैफिक के टेंटे पेपे की जगह चिड़ियों के चहकने से सुबह की शुरुआत होती है। तो मारे न खोलने के टाइम पे अब जल के जंगल जल गए, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हो गया, भारत में एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा था, तापमान भी बढ़ते ही जा रहे थे, जानवर भी मरे ही जा रहे थे। पर फट से लगता है जैसे नेचर ने रीसेट बटन दबा दिया। सब कुछ साफ कर दिया, छतों से हिमालय दिखने लगे, आसमानी तारे दिखने लगे। जो भी कहो, है तो ये कुदरत के करिश्मा। शायद ये मास्क मैंने आज नहीं पहना होता अगर देश और दुनिया का हालत सुरक्षित होता, लेकिन आज कल हालत पूरी विपरीत है। आज हम सब उस संकट का सामना कर रहे हैं जिसकी ना तो हमें खबर थी और ना कोई उसके लिए तैयार था। हमारे में जहाँ कुछ लोगों का घर में रहना तक मुश्किल हो गया है, तो सोचो उन लोगों का जज्बा जो आज हमारे लिए खड़े होकर पल पल लड़े जा रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटरी वर्कर्स और जो कोई भी रोज बाहर जाता है जानते हुए कि बाहर खतरा है, उनको हमारा सलाम। ये वो हैं जिन्हें अपने घर से दूर रहना गवारा है पर अपने कर्म से दूर रहना नहीं। ये अपने परिवार की फिक्र बाद में करते हैं और पहले अपने देश की। इन्हें डर नहीं कि इन्हें कोरोना हो जाए, इन्हें डर है कि ये किसी को कोरोना होने से बचा ना पाए। अगली बार जब आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें तो याद रखना, शुक्रिया अदा करना उनका जो हर पल हमारी सेवा में तैनात रहते हैं। और सिर्फ शुक्रिया नहीं बल्कि कोशिश करें कि आप उनकी राहत का काम है ना कि उनकी परेशानियों का। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ये कभी ना भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। हम घर बैठे ही डरते रहे और वे तैनात होकर भी लड़ते रहे। एक रूप में वो हर समय सेवाएं अपनी देते रहे। जान बचाने के लिए जब हम दो कदम पीछे हटते गए, ये जहान बचाने को हमारा। 100 कदम बढ़ाते चले गए, 100 कदम बढ़ाते चले गए।